नमस्कार, मैं मिलन पटेल, रजिस्टर फार्मासिस्ट, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज के वीडियो में मैं आपको रात को बार बार पेशाब लगने की समस्या के पीछे कौन कौन से कारण रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इस समस्या का इलाज हम किस प्रकार से कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो बिना देरी किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि रात को बार बार पेशाब लगने की स्थिति को नॉक्टुरिया कहते हैं। इस स्थिति के अंतर्गत आपको रात को पेशाब करने के लिए बार बार जागना पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। आप क्वालिटी ऑफ स्लीप नहीं ले पाते हो, जिसकी वजह से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकती है। आपके दूसरे दिन के जो भी काम होते हैं, जो भी रिलेशन होते हैं, उसके ऊपर भी उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट होती है। इसलिए ही स्थिति यानी कि बार बार पेशाब लगने की स्थिति नॉक्टुरिया के पीछे कौन कौन से कारण होते हैं, इसका इलाज किस प्रकार से होता है, जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो आइए वन बाय वन हम उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रात को बार बार पेशाब लगने की स्थिति के पीछे कौन कौन से कारण रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके बारे में। सबसे पहला कारण है मेडिकल कंडीशंस, मतलब कि अगर आपको किसी भी प्रकार की मेडिकल कंडीशन है, कोई रोग है, कोई डिसऑर्डर है, उसकी वजह से रात को बार बार पेशाब लगने की समस्या होती है, जैसे कि डायबिटीज, क्रॉनिक किडनी डिजीज, हार्ट फेलियर, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इत्यादि। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है, अगर वह व्यक्ति अपना ब्लड शुगर लेवल मेंटेन नहीं कर पाता है, जो टारगेट होता है मेंटेन करने के लिए, जो लेवल में मेंटेन करना चाहे, जो रेंज में मेंटेन करना चाहे, अगर वो मेंटेन नहीं होता है, तो अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर की वजह से रात को बार बार पेशाब लगने की स्थिति होती है। अगर किसी व्यक्ति को क्रोनिक किडनी डिजीज है, अगर किसी व्यक्ति को किडनी फेलियर की समस्या है, तो जो हेल्दी इंडिविजुअल होते हैं उसकी किडनी जिस प्रकार से काम करती है, जो एक फिल्ट्रेशन रेट मेंटेन होता है, जो एक्सक्रिएशन रेट मेंटेन होता है, जो ब्लैडर की कैपेसिटी मेंटेन होती है, इस प्रकार से जो हेल्दी इंडिविजुअल में होता है, उस प्रकार से जिन लोगों को किडनी संबंधित कोई समस्या है, क्रोनिक किडनी डिजीज है, तो इस प्रकार के मरीजों में जो फिल्ट्रेशन रेट है, जो एक्सक्रिएशन रेट है, जो ब्लैडर की कैपेसिटी है, उसमें प्रॉब्लम होती है, तो रात को बार बार पेशाब लगने की समस्या रहती है। अगर किसी व्यक्ति को हार्ट फेलियर की स्थिति है, ऐसे में उनके शरीर में ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड रिटेंशन होता है, मतलब कि पानी इकट्ठा होता है, और ये जो भी एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर शरीर में इकट्ठा हुआ है, रात के वक्त जब भी सोते हैं तो यह लिक्विड, ये जो भी एक्यूमुलेट हुआ है, जो पानी, वो प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से रात को बार बार पेशाब लगने की समस्या रहती है। अगर किसी व्यक्ति को बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की समस्या है, ऐसे में बार बार पेशाब लगने की अर्जेंसी पैदा होती है और रात को बार बार पेशाब लगने की समस्या होती है। दूसरा कारण है एजिंग यानी कि बढ़ती उम्र। देखिए, जो बढ़ती उम्र की स्थिति है उसके साथ जो ये बार बार पेशाब लगने की स्थिति है उसका सीधा संबंध होता है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे ब्लैडर की कैपेसिटी कम होती जाती है। इसके अलावा जो किडनी के फंक्शंस होते हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो प्रॉपरली एक्सक्रिएशन होना चाहिए, फिल्ट्रेशन होना चाहिए, जो ब्लैडर की कैपेसिटी मेंटेन होनी चाहिए वो नहीं रहती है, डिस्टर्बेंस होता है, जिसकी वजह से रात को बार बार पेशाब लगने की समस्या रहती है। इसीलिए ही जो बुजुर्ग होते हैं जिन्हें ये परेशानी होती है, वो एडल्ट डायपर्स पहनकर सोते हैं ताकि उनकी नींद डिस्टर्ब ना हो। इसके अलावा जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे कुछ मेडिकल कंडीशंस, कुछ डिसऑर्डर्स जैसे कि डायबिटीज़, किडनी संबंधित रोग, हृदय संबंधित समस्याएँ, इन्फेक्शन की समस्याएँ ज़्यादा होने लगती है, जिसकी वजह से भी रात को बार बार पेशाब लगने की समस्या सामने आती है। नंबर तीन है लाइफस्टाइल फैक्टर्स, मतलब कि आपकी जीवन शैली से संबंधित जो भी फैक्टर्स होते हैं उसकी वजह से भी रात को बार बार पेशाब लगने की समस्या सामने आ सकती है। उसमें एक है फ्लूइड इनटेक। देखिए, वैसे तो दिन भर में तकरीबन 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। अगर एक गिलास को हम 250 ml पकड़ कर चले तो कम से कम हमें 2 लीटर पानी पीना चाहिए ताकि हमारी बॉडी प्रॉपरली मेंटेन हो पाए, प्रॉपरली हाइड्रेट रह पाए, जिसकी वजह से जो भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो अच्छे से काम कर पाए, फंक्शंस अच्छे से चलता रहे। लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अगर पानी पी लेते हैं तो हमारे लिए अच्छा होता है, तो ओवर हाइड्रेशन हो जाता है। कभी कभार पता नहीं चलता है फिर भी ओवर हाइड्रेशन हो जाता है, हम गिनते नहीं है कि कितना पानी हमने पिया, बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी, हमने एक ही साथ में बहुत ज़्यादा पानी पी लिया, तो जो एक्सेसिव अमाउंट में जो वाटर गया है वो प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगता है, जिसकी वजह से अगर ऐसा कुछ हम शाम को करते हैं, रात के वक्त करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी पी लेते हैं, तो जो एक्सेसिव फ्लूइड्स होते हैं वो रात के दौरान जब भी हम सोते हैं तो प्रोसेस होते हैं, जिसकी वजह से रात को बार बार पेशाब लगने की समस्या रहती है। इसके अलावा अगर हम शाम के वक्त, रात के वक्त कैफीनेटेड ड्रिंक्स,
जैसे कि चाय, कॉफ़ी या फिर ऐसी कोई भी एनर्जी ड्रिंक जिसमें कैफीन हो, इसका सेवन कर लेते हैं। या फिर अगर किसी व्यक्ति को अल्कोहल लेने की आदत है, वैसे तो थोड़ा अल्कोहल भी हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, लेकिन अगर किसी को आदत है, छोड़ नहीं पा रहे, तो अगर वह व्यक्ति रात के समय, शाम के वक्त अगर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो रात को सोते वक्त बार बार पेशाब लगने की समस्या रहती है, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है। ये तो हो गई फ्लूइड इनटेक की बात। एक होता है डाइट। अगर आप आहार में बहुत ही ज़्यादा तीखा खाना खाते हो, आपको चॉकलेट बहुत पसंद है, आप ज़्यादा मात्रा में चॉकलेट खाते हो, आप साइट्रस फ्रूट्स यानी कि जो खट्टे फल होते हैं वो खाते हो, खास करके शाम के वक्त अगर आप ज़्यादा तीखा खाना, चॉकलेट, साइट्रस फ्रूट इत्यादि का सेवन करते हो, तो रात को सोते वक्त, सोने के दौरान आपको बार बार पेशाब लगने की यानी कि फ्रिक्वेंट यूरिनेशन की समस्या रहती है। नंबर चार है मेडिकेशंस। कुछ दवाइयों की वजह से भी रात को बार बार पेशाब लगने की स्थिति सामने आती है। उसमें एक दवाई है डायूरेटिक मेडिसिंस। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी है, जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उन्हें प्राइमरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के तौर पर डॉक्टर डायूरेटिक मेडिसिंस प्रिस्क्राइब करके देते हैं। देखिए, दवा की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल सिंपल होती है। जैसे ही आप डायूरेटिक मेडिसिन लेते हो, तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए यह दवाई हमारे शरीर के अंदर पानी और सोल्ट का प्रमाण बढ़ा देती है, जिसकी वजह से पानी ज़्यादा हो जाता है, सोल्ट ज़्यादा हो जाता है, तो जो सोल्ट होता है वो पानी में घुलकर पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। लेकिन इसकी वजह से, इसकी साइड इफेक्ट की वजह से बार बार पेशाब लगने की समस्या रहती है। अगर कुछ मोस्ट कॉमन डायूरेटिक मेडिसिन की बात करें, तो उसमें हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, क्लोरथेलिडीन, इंडेपामाइड, फ्यूरोसामाइड, ब्यूमेटानाइड इत्यादि का समावेश होता है। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर्स और ऐसी ही इनिबिटर्स, इसकी वजह से जो भी ओवर एक्टिव ब्लैडर की परेशानी होती है और ज़्यादा गंभीर हो सकती है, जो ब्लैडर है वो इरिटेट होता है, जिसकी वजह से भी बार बार पेशाब लगने की समस्या रहती है। इसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, मूड स्टेबिलाइजर्स, एंटीसाइकोटिक मेडिसिन, डीकंजेस्टेंट मेडिसिन, एंटी हिस्टामाइन मेडिसिन इत्यादि के सेवन से भी रात को बार बार पेशाब लगने की स्थिति सामने आ सकती है। नंबर पाँच है स्लीप डिसऑर्डर, OSA, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया। इस स्थिति के अंतर्गत जब भी हम रात को सोए हुए होते हैं, तो एयर फ्लो और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम रात को बार बार जाग जाते हैं। जब भी ये एपिसोड्स आते हैं हम जाग जाते हैं। ऐसे में जब भी हम जागे हुए होते हैं, तब हमें यूरिनेशन की नीड नोटिस होती है और बार बार पेशाब लगने की समस्या रहती है। जिन लोगों को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया की परेशानी है, उनमें से तकरीबन 50% लोग ऐसे हैं जिन्हें रात को बार बार पेशाब लगने की स्थिति यानी कि नॉक्टुरिया की स्थिति का सामना करना पड़ता है। नंबर छः है OAB यानी कि ओवर एक्टिव ब्लेडर। ओवर एक्टिव ब्लेडर की परेशानी की वजह से भी रात को बार बार पेशाब लगने की स्थिति सामने आ सकती है। देखिए, पहले मैं आपको एक नॉर्मल प्रोसेस समझाता हूँ कि जैसे हमारे शरीर में फ्लूइड प्रोसेस होते हैं, एक्सक्रिएशन होता है, फिल्ट्रेशन होता है, और ब्लेडर में यूरिन इकट्ठा होता है। जब भी ब्लेडर फुल होता है तो अर्जेंसी आती है, नीड होती है यूरिनेशन की, हम पेशाब करते हैं, ब्लेडर खाली हो जाता है, वापस से भरने लगता है, तो एक नॉर्मल प्रोसेस होगी। लेकिन इन केस ऑफ OAB यानी कि ओवर एक्टिव ब्लेडर, ब्लेडर जब भी पूरा भरा भी नहीं हुआ होता है, खाली होता है, तो ऐसे में भी अर्जेंसी आती है, नीड होती है यूरिनेशन की, तो हमें पेशाब जाना पड़ता है। ऐसे में थोड़ा बहुत ही भरा हुआ होता है ब्लेडर, हम खाली कर देते हैं, फिर से थोड़ा बहुत भर जाता है, हम खाली कर देते हैं, तो बार बार पेशाब लगने की स्थिति सामने आती है। कुछ दवाइयों की साइड इफेक्ट की वजह से भी ओवर एक्टिव ब्लेडर की समस्या होती है। अगर किसी व्यक्ति को ओवर एक्टिव ब्लेडर की समस्या है, तो कुछ दवाइयों की वजह से वो गंभीर भी हो सकती है। ऐसे में कोई भी दवाई लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट से सलाह लेनी काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में, मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को नॉक्टुरिया यानी कि रात को बार बार पेशाब लगने की स्थिति है, तो उसका इलाज हम किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहला इलाज है मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट के अंतर्गत जब इलाज किया जाता है, तो सबसे पहले तो जो भी स्थिति है, बार बार पेशाब लगने की जो समस्या है, उसके पीछे कारण कौन सा है, सबसे पहले वो फाइंड किया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट की जाती है। उदाहरण के तौर पर ब्लैडर मसल्स की ओवर एक्टिविटी को कम करने के लिए एंटी मस्केरिनिक्स दवाइयाँ जैसे कि ऑक्सीबुटिनिन, टोलटेराडिन, सोलिफिनासिन इत्यादि दी जाती है, ताकि जो ब्लैडर की ओवर एक्टिविटी है वो कम हो जाए, जो मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की प्रोसेस है वो थोड़ी धीमी हो जाए, ताकि फ्रिक्वेंट यूरिनेशन की समस्या ना हो। इसके अलावा ब्लैडर मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, ब्लैडर की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए बीटा 3 एडर्नर्जिक एगोनिस्ट मेडिसिन दी जाती है, ताकि बार बार पेशाब लगने की जो स्थिति है उस पर हम नियंत्रण ला सकें। इसके अलावा एक होती है डेस्मोप्रेसिन थेरापी। ये जो मेडिसिन है डेस्मोप्रेसिन एसिटेट,
वह ADH यानी कि एंटी डायबिटिक हार्मोन का सिंथेटिक एनालॉग है, जो रात के वक्त पेशाब के प्रोडक्शन को, यूरिन प्रोडक्शन को कम कर देता है, जिसकी वजह से रात को बार बार पेशाब लगने की स्थिति को हम नियंत्रण में ला सकते हैं। लेकिन डेस्मोप्रेसिन एसीटेट के उपयोग में सावधानी रखनी है, क्योंकि इसकी साइड इफेक्ट्स होती है। अगर आप बिना सोचे समझे, बिना डॉक्टर की एडवाइस, ज़्यादा मात्रा में बार बार इस प्रकार की मेडिसिन का उपयोग करते हो तो आपके शरीर में सोडियम लेवल काफ़ी हद तक नीचे गिर सकता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दिन में प्रोस्टेट और ब्लेडर नेक के मसल्स रिलैक्स रहे, इसके लिए अल्फा ब्लॉकर जैसे कि टेम्सुलोसिन, अल्फ्यूजोसिन, डेक्साजोसिन इत्यादि दवाई दी जाती है, ताकि जो यूरिन फ्लो है वो इम्प्रूव हो जाए और बार बार पेशाब लगने की अर्जेंसी पैदा ना हो। इसके अलावा दिन में डायुरेटिक मेडिसिन जैसे कि फ्यूरोसामाइड दी जाती है, ताकि फ्लूइड बिल्डअप कम हो जाए और रात को बार बार पेशाब लगने की स्थिति पैदा ना हो। दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। मेडिसिन के साथ साथ आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस पर भी उतना ही ध्यान देना है, क्योंकि जब भी आप अपनी जीवन शैली में पॉजिटिव बदलाव लाते हो, सकारात्मक बदलाव लाते हो, तो ऐसे में आधे से ज़्यादा परेशानी तो वैसे ही सॉल्व हो जाती है। इन केस ऑफ नॉक्टुरिया, रात को बार बार पेशाब लगने की स्थिति में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में सबसे पहले आपको फ्लूइड मैनेजमेंट पर ध्यान देना है। फ्लूइड मैनेजमेंट के अंतर्गत सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दिन भर में अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हो, तो फिर शाम के वक्त, रात के वक्त हो सके तो फ्लूइड का कंजप्शन कम करना है, ताकि आपके शरीर में एक्सेसिव फ्लूइड, जो अननेसेसरी फ्लूइड है, वो इकट्ठा ना हो। इसके अलावा शाम से लेकर रात के वक्त आपको कोई भी कैफिनेटेड ड्रिंक जैसे कि चाय, कॉफ़ी या फिर ऐसी कोई भी ड्रिंक जिसमें कैफीन हो, कंजप्शन नहीं करना है। अगर आप अल्कोहल लेने के आदि हो, तो जैसे मैंने पहले बात की कि थोड़ा बहुत अल्कोहल भी आपके शरीर के लिए हानिकारक होता है, तो अगर फिर भी आप अल्कोहल लेते हो तो मेक श्योर के रात के वक्त, शाम के वक्त आपको अल्कोहल नहीं लेना है, ताकि रात को बार बार पेशाब लगने की समस्या ना हो। इसके अलावा आप अपनी डाइट पर ध्यान दे सकते हो, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में स्पाइसी फूड आपको अवॉइड करने हैं, बहुत ही ज़्यादा चॉकलेट या फिर साइट्रस फूड यानी कि खट्टे फल आपको अवॉइड करने हैं, खास करके शाम के वक्त, ताकि नॉक्टुरिया की स्थिति सामने ना आए। इसके अलावा दिन भर में आप एक यूरिनेशन स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हो, जिसमें आप अपने ब्लैडर को ट्रेनिंग दे सकते हो। क्योंकि जब भी ब्लैडर फुल हो जाता है तब ही आपको अर्जेंसी हो। इन केस ऑफ ओवर एक्टिव ब्लैडर जैसे हमने बात की थी, ब्लैडर पूरा भरा हुआ नहीं होता है, फिर भी आपको अर्जेंसी होती है, तो बार बार पेशाब लगने की स्थिति होती है। ऐसे में आप अगर एक प्रॉपर स्केड्यूल आप अगर फॉलो करते हो, जैसे कि पूरा जब भी ब्लैडर भर जाए, जब भी अर्जेंसी हो तब ही आप यूरिनेशन के लिए जाए, तो ऐसे में क्या होगा कि जब भी आप रात को सोओगे तो मेक श्योर कि आपका पूरा ब्लैडर खाली हो, ताकि ब्लैडर भरने में थोड़ा समय लगे और आप रात में बार बार ना जागे। तो इस प्रकार से अपने ब्लैडर को ट्रेनिंग देकर भी आप रात के वक्त बार बार पेशाब लगने की स्थिति यानी कि नॉक्टुरिया को मैनेज कर सकते हो। नंबर 3 है एक्सरसाइज। बार बार पेशाब लगने की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए कुछ एक्सरसाइज भी आप कर सकते हो, जिसमें एक है पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज की मदद से अपने पेल्विक मसल्स को आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, जिसकी मदद से ब्लैडर का जो कंट्रोल होता है वो इम्प्रूव होता है, जिसकी वजह से बार बार पेशाब लगने की स्थिति को आप कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को फ्लूइड रिटेंशन की परेशानी है, खास करके पैरों में, तो ऐसे में रात को जब भी सोने जाए तो उससे पहले थोड़ी देर के लिए जो भी अपने पैर है उसे एलिवेट करके सोए, ताकि जो भी फ्लूइड रिटेंशन हुआ कम हो जाए और रात को बार बार पेशाब लगने की स्थिति ना हो। नंबर 4 है मैनेजमेंट ऑफ अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस। देखिए, ऐसी बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस होती है, ऐसे बहुत सारे रोग होते हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसकी वजह से रात को बार बार पेशाब लगने की स्थिति सामने आती है, जैसे कि डायबिटीज, क्रॉनिक किडनी डिजीज, हार्ट फेलियर, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ब्लैडर डिसऑर्डर्स, स्लीप डिसऑर्डर्स इत्यादि। तो ऐसे में जो भी अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन है उसे आप प्रॉपरली मैनेज करके भी बार बार पेशाब लगने की जो स्थिति है उसे कंट्रोल कर सकते हो। तो यह थी जानकारी रात को बार बार पेशाब लगने की स्थिति यानी कि नॉक्टुरिया के पीछे कौन कौन से कारण होते हैं, उसका उपचार, उसका इलाज हम किस प्रकार से कर सकते हैं उसके बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो बेझिझक कमेंट में पूछिएगा। अगर कमेंट में आप अनकंफर्टेबल हो तो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qna.ham@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।